हे गाइस, व्हाट इज अप यार, दिस इज क्रिश फ्रॉम त्रिपुरा। तो गाइस, मैं आप लोग के फिर से यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के साइट से हमें जो न्यूज, तो गाइस आप लोग के वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस बेसिकली आज का जो फर्स्ट न्यूज होता है वो होता है बेसिकली करी और करीना कपूर के, जो एक आप लोग पता है बहुत दिन पहले मैंने न्यूज कवर किया था कि एक कोलाब वीडियो आने वाला है। तो गाइस वो वीडियो यार फाइनली आ चुका है, तो उधर ही बहुत चीजों के ऊपर बात की, तो आप लोग यार वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर उसमें इधर तो फुल वीडियो प्ले नहीं कर सकते, एक इंपॉर्टेंट पार्ट में प्ले करने वालों करीना कपूर ने पूछा था कि अभी जो रेप वेप चल रहा है इंडिया पे आप लोग पता है बहुत ज्यादा होता है, इसके ऊपर करी का क्या ओपिनियन है वो आप लोग खुद देख सकते हो। पर जब आप ऑफेंसिव गालियां देखते हो अपने फीमेल कॉलीग्स यू नो के कंटेंट पर लाइक रेप थ्रेट्स एंड ऑल, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? मैम, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मुझे रेप से बुरी चीज कोई चीज ही नहीं लगती है, उससे बुरी कोई चीज नहीं है। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस देश में, अगर मेरे पास कोई भी सुपर पावर होती तो मैं ये सुपर पावर होती मेरी कि मैं रेप्स पे स्टॉप कर सकूँ उन चीज़ों को। आई जस्ट ये मैम, अंदर से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है जब ये चीज़ें रीड करता है इंसान, सो इट्स वेरी डिस्टर्ब। तेन जो स्टोरी थे वो तो वैसे केजीएफ की तरफ से, मतलब केजीएफ चैप्टर टू की तरफ से यश ने यार अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, जैसे आप लोग देख सकते हो केजीएफ चैप्टर टू यार आने वाला है 16 जुलाई को, तो मतलब थिएटर पे। तो या आते हैं कब और कैसा होता है देखते हैं, और मैं तो जाके कंफर्म थिएटर पे देखने वाला हूँ, और आप लोग किधर देखने वाले हो आप लोग भी यार सिंपल सा कमेंट करके बता सकते हो। देन जो स्टोरी है तो वो तो वैसे बीबी की तरफ से, बीबी का एक नया इंटरव्यू आया है, तो उधर ही बीबी बात किए थे अपने हेटर्स को लेके, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और फुल वीडियो करीब 40 मिनट के आसपास है, तो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि इतने टाइम बाद यार आपकी मतलब माइनस प्लस को इतना प्यार मिला, और इतना मतलब जो आपके, मैं तो ये कहता हूँ जो आपके हेटर्स भी हैं जी, उन्हें भी मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार इस बार तो कुछ ऐसा किया कि हम भी नहीं बोल सकते, हम भी स्पीचलेस हैं कि इस बार तो काम बहुत ही अच्छा है यार। मेरे को ना ये हेटर वर्ड समझ नहीं आता, आप किसी से क्योंकि ये वर्ड बड़ा स्ट्रांग है, नफरत अगर आप किसी से करते हैं तो मतलब आप उसको कितना बढ़िया तरीके से जानते होंगे कि आप उससे नफरत करने लगे। पर अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है तो आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई मुझसे हेट करता है। जो स्टोरी है तो वो थे बेसिकली पबजी लाइट हेल्पर की तरफ से, पबजी लाइट हेल्पर का एक बेसिकली पबजी लाइट को लेके अपडेट देते थे, तो उत्तर ही कुछ हैकर को लेके वीडियो अपलोड कर दिया था, तो इसके बाद पबजी ने इसको 25 स्ट्राइक दिया है। 25 मतलब अगर 3 स्ट्राइक भी आपके चैनल पे आ जाता तो आपका जो चैनल वो टर्मिनेट हो जाता, और उसके ऊपर उसको 25 स्ट्राइक मतलब चैनल तो उड़ने वाला है। तो इसके ऊपर ही पबजी लाइट हेल्पर ने अपने सेकंड चैनल पे इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, तो यार देखना चाहते हो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो गाइस। गेमिंग हेल्पर देखे चैनल का नेम, तो जाके जरूर सपोर्ट भी करना और उस वीडियो को भी यार शेयर कर देना। तेन जो स्टोरी है तो वैसे लक्ष्य की तरफ से, लक्ष्य का नया वीडियो आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो थंबनेल और टाइटल, तो यह नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो, और अगर आप लोगों ने अभी तक देख लिया तो मेरे को सिंपल सा कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। तेन जो स्टोरी है तो वो तो इसीलिए गरीब की तरफ, सब लोग पता है मतलब कुछ दिन पहले से चल रहा शैडो बैन जो ट्रिगर इंसान के साथ हुआ देन गरीब के साथ हुआ, तो ये शायद अभी कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि गरीब का लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ आप लोग वो खुद देख सकते हो। एक सेकेंड देना मुझको, मेरे को लगता है मेरी वीडियो वापस आ गई, लोग कह रहे हैं शैडो बैन हट गया था मेरी वीडियो से। ओ कांग्रेचुलेशन गाइस, द शैडो बैन इज नाउ रिमूव्ड, फाइनली कुछ तो काम आया। हेलो मेरी बात, अरे भाई मेरा शैडो बैन हट गया भाई, उम्मीद ही नहीं थी भाई। हट गया? हाँ भाई सही है, पहली बार। क्या बात है भाई, क्या बात है, मुबारक हो। मुबारक भाई, उम्मीद ही नहीं थी। इसका शैडो बैन हट गया, किसमें लगा शैडो बैन तेरे को? लेटेस्ट वीडियो पे मेरी अब आ रही है भाई, गरीब लिखते आ रही है। अब तो नई वीडियो डाल, वो नहीं आएगी। ऐसे मत बोल। देन जो स्टोरी तो वो तो इसलिए किसान को लेकर, आप लोग बता जो दो कुछ दिन पहले किसान को लेकर जो हंगामा हुआ था, वो जो फ्लैग वैग इंडियन फ्लैग को लेकर, इसके ऊपर ही तो इसके ऊपर ही सम्राट भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली, तो इसके बाद सम्राट भाई को अपने इंस्टाग्राम पे पब्लिक क्लोन अकाउंट से बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे, और भी बहुत कुछ बोल रहा था। तो इसके बाद सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाला, तो क्या कहा आप लोग खुद देख सकते हो। यार एक चीज मैं भूल गया था आपको, थोड़ी सीरियस चीज बतानी थी कि अभी जब से मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली है ना, काफ़ी सारे खालिस्तानी क्लोन्स मेरे इंस्टाग्राम के मैसेजेस में आ चुके हैं, मेरे डीएम्स में आ चुके हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं उनको रिप्लाई दूं उनके एब्यूसिव लैंग्वेज पे। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सर हमने अच्छे अच्छे को नहीं दिया, आपको क्या देंगे। सो पॉइंट इज दैट, अगर आना है तो रियल आईडी से आ जाओ, आपको स्टोरी में डाल के, आपको ट्विटर पर डाल के,
हम बताते हैं कि हम कौन है, ये क्लोन्स वाली, एक्चुअली तुम क्लोन्स ही हो, लेकिन ये वाली हरकतें मत करो कि डीपी भी हटा रखे हो, अकाउंट भी प्राइवेट कर रखे हो, सम्राट भाई मारेंगे कैसे, आना है तो रियल आईडी से ना। इनका सच का जो लास्ट न्यूज होता है वो तो वैसे टेक्नो गेमर्स की तरफ से, टेक्नो गेमर्स ने मीट किया, आप लोग देख सकते हो स्लीप पॉइंट एंड मीट पे, तो या ऐसे हो इसे तो मीट नहीं किया, तो लगता है बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, तो ये देखते कब आता है और क्या है वो चीज़। तो ये बेसिकली इतने था आज की इस न्यूज वीडियो में, तो अभी आप लोग को मेरी न्यूज वीडियो कैसा लगा आप लोग भी मुझे सिंपल सा कमेंट कर सकते हो, मतलब अच्छा लगे तो प्लीज सिंपल सा कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लगे तो प्लीज डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और प्लीज चैनल पर नहीं आ रहे हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज गाइस कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉच है, धन्यवाद।